Hello students, welcome to IBS online classes. I hope everyone is doing well. Let's start with the important news items for today. सबसे पहले हम देखेंगे जो भी highlights रहे आज के दिन के. The Green Climate Fund has approved more than $1 billion investments for 19 new projects to tackle climate change. US-based Dalit writer Sujata Gidla has won the 2018 Shakti Bhatt First Book Prize. The 27th Fusion Energy Conference was held in Gandhinagar in Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated and dedicated the National Police Memorial in New Delhi. The 75th anniversary of the establishment of Azad Hind Government was observed on 21st of October 2018. Piyush Goyal, the Union Minister of Railways and Coal, will be honored with the 2018 Carnot Prize. And Turkey will host the Four Nations Summit on Syria Crisis in Istanbul. So these were the highlights of the day. इसके बाद चलते हैं डिटेल डिस्कशन पे और सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में. तो ग्रीन क्लाइमेट फंड ने रिसेंटली ये अप्रूव किया है कि $1 billion से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की जाएगी 19 नए प्रोजेक्ट्स में जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करेंगे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए. तो ये जो डिसीजन है ये मीटिंग में लिया गया GCF की जो कि रिसेंटली मनामा बहरीन में हुई थी. तो ये जो फंडिंग है ये अप्रूव गई है इन प्रोजेक्ट्स के लिए जो है जियोथर्मल एनर्जी इन इंडोनेशिया, ग्रीनर सिटीज़ इन यूरोप एंड मिडल ईस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज़ इन इंडिया. तो जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये एक यूनाइटेड नेशंस का फंड है जो कि क्लाइमेट रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हेल्प करता है. तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था डर्बन साउथ अफ्रीका में 2011 में और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो इंचियन साउथ कोरिया में स्थित हैं. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, रिसेंटली ग्रीन क्लाइमेट फंड ने अप्रूव किया है कि $1 billion से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की जाएगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए. इसके बाद बात करते हैं 2018 शक्ति भट्ट प्राइस के बारे में. तो जो US में रहने वाली दलित राइटर हैं सुजाता गिदला, उनकी जो डेब्यू बुक है आंट्स अमंग एलिफेंट्स एंड अनटचेबल फैमिली एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, इस बुक के लिए उनको 2018 का शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइस दिया गया है. तो ये जो शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज है इसको फंड करती है शक्ति भट्ट फाउंडेशन और ये ऑनर करते हैं उन राइटर्स को जिनकी पहली बुक जो है पब्लिश हुई होती है फिक्शन या फिर नॉन फिक्शन में. तो श्रीलंका के जो ऑथर थे अनूक अरुत प्रगासम, उन्होंने 2017 का शक्ति भट्ट प्राइज जीता था उनके नॉवल द स्टोरी ऑफ द ब्रीफ मैरिज के बारे में. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जो 2018 का शक्ति भट्ट प्राइज है वो US बेस्ड दलित राइटर सुजाता गिदला को दिया गया है. इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, 27th फ्यूजन एनर्जी कॉन्फ्रेंस. तो ये जो फ्यूजन एनर्जी कॉन्फ्रेंस है ये रिसेंटली गांधीनगर गुजरात में हुई है और इसको ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने और होस्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने और गांधीनगर बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च ने. तो जो मेन एम है इस कॉन्फ्रेंस का वो है एक ऐसा फोरम प्रोवाइड करना जिसमें फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के इशूज़ को डिस्कस किया जा सके और उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है उस कंसेप्ट को भी रिसर्च किया जा सके. तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज़ को प्रमोट करती है. इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित हैं और इस टाइम जो इसके हेड हैं उनका नाम है यूकिया अमानो. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जो 27th फ्यूजन एनर्जी कॉन्फ्रेंस है वो रिसेंटली हुई है गांधीनगर गुजरात में. इसके बाद बात करते हैं नेशनल पुलिस मेमोरियल के बारे में. तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रिसेंटली ये नेशनल पुलिस मेमोरियल इनॉग्रेट किया है नई दिल्ली में. तो ये जो इनॉग्रेशन हुआ है ये नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे पे हुआ है जो कि 21 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है. तो जो पुलिस कमेमोरेशन डे है वो बेसिकली इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है ताकि हम रिस्पेक्ट पे कर सकें उन मार्टियर्स को जिन्होंने अपनी जानें दी हैं. तो जो बेसिकली 10 पुलिसमैन थे जिन्होंने चाइना के बॉर्डर पे 1959 पे अपनी जानें गंवाई थी उन लोगों की रिस्पेक्ट पे करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है. इस मेमोरियल के साथ साथ इंडिया का पहला नेशनल पुलिस म्यूजियम भी इसी मेमोरियल में स्थित है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जो नेशनल पुलिस मेमोरियल है वो रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है नई दिल्ली में और जो नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है 21 अक्टूबर को.
इसके बाद बात करते हैं 75th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। तो जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है वो 21 अक्टूबर को जो है एस्टेब्लिश हुई थी और रिसेंटली उसकी 75th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है। तो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो है वो सिंगापुर में फाउंड की गई थी 1943 में। ये इंडिया की पहली इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट थी जो कि इंडियन नेशनलिस्ट ने फॉर्म की थी, जो कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर टू की वजह से सिंगापुर में एग्जाइल में थे और उन्होंने ये जो गवर्नमेंट है ये सेटअप की थी इम्पीरियल जापान के हेल्प से। तो ये जो इंस्पायर की गई थी गवर्नमेंट वो थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आइडिया से, जो कि आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के लीडर थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जो 75th एनिवर्सरी है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की वो रिसेंटली ऑब्जर्व की गई 21 अक्टूबर को, और ये जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है इसके जो लीडर थे वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद बात करते हैं 2018 कार्नोट प्राइज ऑफ क्लेनमैन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी। तो जो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं रेलवेज और कोल के, श्री पीयूष गोयल जी, उनको 2018 का कार्नोट प्राइज दिया जाएगा। तो ये जो प्राइज है ये दिया जा रहा है इंडिया ने जो एफर्ट्स किए हैं सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। तो एनर्जी सेक्टर का ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। तो ये जो प्राइज है इनका नाम है निकोलस कार्नोट के नाम के पीछे, जिन्होंने स्टीम इंजन के जो साइकिल है उसको डेवलप किया था। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं रेलवेज़ और कोल के, श्री पीयूष गोयल, उनको इस साल का 2018 कार्नोट प्राइज दिया जाने वाला है। इसके बाद बात करेंगे फोर नेशन समिट ऑन सीरिया क्राइसिस। तो 27 अक्टूबर को टर्की जो है चार नेशंस का समिट होस्ट करने वाला है सीरिया क्राइसिस के ऊपर, और ये जो समिट है ये इस्तांबुल में होगा। और यहाँ पे जो सीरिया में इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जो वॉर चल रहा है उसके सोल्यूशन को डिस्कस करने के लिए ये समिट हो रहा है। तो ये समिट जो है चार कंट्रीज़ के बीच में होगा, टर्की, फ्रांस, जर्मनी और रशिया। तो रशिया जो है इस टाइम जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं बशार असद उनको सपोर्ट करता है, लेकिन जो टर्की है वो उनको पावर से रिमूव करने के लिए जो है वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जो फोर नेशंस का समिट है सीरिया क्राइसिस पे वो इस्तांबुल में होने वाला है 27 अक्टूबर को। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।